श्री जांग की फैमिली मीडिया से बात कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा सुनेंगे। आए हैं सभी आरोपों को आप देख लीजिए, तुनिशा की मां कम, पवन शर्मा ने ज्यादा आरोप लगाए हैं। ये पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि ये लव जिहाद का मसला है जो पुलिस ने डे वन से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आरोप लगाया गया है कि तुनिशा को हिजाब पहनाते थे, उर्दू सिखाते थे। जहां तक हिजाब का सवाल है, आप 21st एपिसोड देख लीजिए, अलादीन दास्ताएं काबुल का, अली बाबा दास्ताएं काबुल का 21st एपिसोड का जो कॉस्ट्यूम है वो गणेश चतुर्थी के समय शूट हुआ था। वो कॉस्ट्यूम का फोटो सेट पे गणपति पूजा हुई थी, जहां पे ये गणपति पूजा में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और वो फोटो को इंस्टाग्राम में डाला है, जहां पे सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश किया गया है। हमारे पास वो सबूत है, आप सभी को जिसको चाहिए हम दे देंगे, हमसे ले सकते हैं। सेकेंडली, जहां तक उर्दू वाली बात है, हिजाब वाली बात है, दरगाह वाली बात है, वो उनके परिवार आपके सामने रखेंगे। चौथी बात पे आते हैं हम, तुनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। उनकी मां इन चीजों को बहुत अच्छे से जानती है। तुनिशा के पिताजी के देहांत के बाद तुनिशा अपसेट रहती थी। तुनिशा ने अपने पिताजी के साथ जो लास्ट बर्थडे मनाया, उसके बाद आज तक खुशी से कोई बर्थडे नहीं मनाया है। ये फर्स्ट बर्थडे वो अपना खुशी से मनाने वाली थी। तुनिशा की मां का और संजीव कौशल जी का क्या संबंध है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बट पूरा तुनिशा को जो कंट्रोल करते थे, डोमिनेट रखते थे, वो है संजीव कौशल और तुनिशा की मां वनिता शर्मा। मामा है, जैसे अब तक कहीं सुनने में आया था, क्योंकि वो मामा बोल रहे हैं। संजीव कौशल, अब ब्रेक मत करिए, मैं पहले कह देता हूँ, इनके परिवार कह देते हैं, उसके बाद आपके जो प्रश्न रहेंगे, आज हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही यहाँ आए हैं, और हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। एक सेकेंड, कौन सा वाला? आपको ऑडियो आ रहा है? थोड़ा पीछे आओ। रोलिंग रोलिंग साइलेंस प्लीज, साइलेंस। यहाँ तक तुनिशा के संबंध हैं, तुनिशा और संजीव कौशल के संबंध बहुत ही खराब थे, खराब टू सच एन एक्सटेंट कि तुनिशा उनका नाम सुनते ही एंजाइटी और पैनिक अटैक में आती थी। इसके ऊपर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, संवेदन मुद्दा है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कुछ चीजों को संवेदनशीलता के साथ दिखाया जाए। संजीव कौशल जी और वनिता जी तुनिशा प्लस उसके पैसों को फुल कंट्रोल करते थे, बट सो कॉल्ड मामा ने पूरे मसले को कहां से कहां लेके चले गए हैं। सारे आरोप जो भी लगे हैं, किसने लगाए, कैसे लगाए, सारे के सारे आपके मीडिया के सामने है। अब आप लोगों में से जिसको जो बोलना है बाद में, पहले इन लोगों को अपना पक्ष रख लेने दीजिए। जहां तक हिजाब वाली बात है, जहां तक दरगाह वाली बात है, जहां तक उर्दू वाली बात है, खाली नाम अपना रिलेशन। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ फलकनाश। मैं हूँ फलकनाज और तुनिशा से मेरा बहन का रिश्ता था, भले ही खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे, जब हम लोग लद्दाख गए थे, मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे। तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो,
चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25-30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है, हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं, रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं, यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जिस दिन फलक उनको उनकी माँ ने वनिता शर्मा जी, आपकी रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहती हूँ, आपने तो बहुत बदतमीजी की है, लेकिन हम अपनी डिग्निटी, हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलक नाथ उसको दरगाह पे लेकर गई, तो उस आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है? आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है? तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा, आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? आप लोग इंतजार करेंगे? आप लोग सिर्फ फोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ, आप फादर हैं, तो मैं क्या करूंगी? मैं बैठी रहूंगी, बस मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी वो, मुझे फोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतजार कर रही थी कि टुनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी इकलौती बच्ची गई है, इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के 3 बच्चे हो, ये चीज मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को देके जा रही है, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो देके जा रही है और वो चली गई है, वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है? आप कर सकते हैं ये, जब तक कि उसको जस्टिस ना मिले। टुनिशा फॉर जस्टिस, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं। मेरी बच्ची थी वो, मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफर कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी मेरे घर की, वो सबसे छोटी बच्ची थी। वो भले 20 साल की थी, लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो
एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी, आप क्या चाहती हो? एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी, जिसको बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, तो मैं एक लॉजिक आपको देती हूँ। जब हम सेट पे होते हैं और कोई आउटफिट होता है, स्पेशली जब हम माइको कर रहे होते हैं, तो हम पूरा दिन उसी गेटअप में रहते हैं, क्योंकि हमें रेडी होने के लिए बहुत टाइम लगता है। कपड़ों को चेंज करके वापस से निकाले फिर शॉट में जाएं, ऐसा नहीं होता है। वो जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही है वो ये पिक्चर है, जो कि आप देख सकते हो। टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट की गई है, ये वो पिक्चर है जो टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है, और इसका ये नीचे यहाँ पे थर्ड सेप्टेम्बर लिखा है, और उसका कैप्शन भी है विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है, और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था, जिसमें ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21, 14 सितंबर, यहाँ क्लियरली लिखिए। और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं, बाद में टेलीकास्ट आता है, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है। तो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं पवन शर्मा जी कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ। ये हिजाब चैनल की तरफ से पहनाया गया है, हमारी तरफ से नहीं। सवाल पूछे मैडम? हाँ जी। नहीं, अभी नहीं, प्लीज। लेट मी स्पीक। जहाँ तक अब बात है वनीता शर्मा के रिलेशनशिप की, फैमिली के साथ जो उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, मैं आपको बताऊं, शीजान की बर्थडे पे वनीता शर्मा इनवाइटेड थी। हमारे पास प्रूफ है, फोटोज। 9 सितंबर मैंने लोखंडवाला में पार्टी रखी थी और वो शीजान को साथ में लेके आई हैं अपनी गाड़ी में बैठा के। दूसरा, वो दिवाली पे आई थी, खुद सामने से आई थी हमारे घर में। उसके अलावा अभी टुनिशा का 4 तारीख को बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी 3 तारीख की रात को। 23 तारीख दिसंबर को रात को उन्होंने मुझे फोन किया था कि फलक क्या प्लान है बर्थडे का, तुम क्या प्लान कर रही हो? और मैंने उनको क्लियरली बताया था, आंटी मैं बर्थडे प्लान कर रही हूँ, आप 4 तारीख को उसकी पार्टी रख रही, क्योंकि उनको एक ग्रैंड लेविश पार्टी रखनी थी विद मीडिया, तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को कहीं बाहर पार्टी रख रही हूँ, और तुम लोग उसका, फिर मैंने उनको यही कहा था कि आंटी ठीक है, मैं उसका ब्रिंग इन मनाना चाहती हूँ, क्योंकि टुनिशा मीडिया नहीं चाहती थी, टुनिशा को ये सब नहीं पसंद होता था, उसको फैमिली पसंद होती थी, तो उसको मैं वो फैमिली देना चाह रही थी, वो फैमिली टाइम देना चाह रही थी 3 तारीख की रात को। और ये बात टुनिशा भी जानती थी कि आप ही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है, तो बात यहाँ पे इस चीज पे खत्म होती है कि उनका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो गलत है, फैमिली में बराबर इन्वॉल्वमेंट था। जिस दिन ये शूट फर्स्ट एपिसोड इनका लॉन्च हुआ था, लॉन्च पार्टी वाले दिन वो हमारे घर में थी, हम लोगों ने सेट पे इनका टेलीकास्ट देखा, उसके बाद सारे लोग सीधा एक्टर्स को मिला के, टुनिशा की मदर को मिला के, टुनिशा को मिला के, हम सब घर पे, हमारे घर पे बैठे हुए थे। सुबह चार बजे तक हमारे साथ थे वो लोग, तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए? हमें उन्होंने अपने घर पे बुलाया, हम उनके घर पे गए, तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट होता है? ठीक है, आपने बाकी है। यहाँ तक उन्होंने कुत्ते की बात की है कि उनको कुत्ते से डर लगता है, उनको कुत्ता पसंद नहीं था और हमने जबरदस्ती कुत्ता दिलवाया, तो मैं ये यहाँ पे अभी क्लियर कर देती हूँ, ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है, और ये जर्मन शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है। ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टुनिशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टुनिशा की, कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से।
वो एक डॉग लेना चाहती थी और ये उसने तब मुझे भेजी थी कि आप ही सी मम्मा को बोलती है एक तरफ के डर लगता है, दूसरी तरफ वो इतने बड़े कुत्ते के साथ लेटी हुई है। आप देख सकते हैं, ये आप सबको दिया जाएगा। कुत्ता। रही बात टैटू की, टैटू यहाँ पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनवा सकता, इट्स आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता जबरदस्ती। टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट विश थी। उसने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है जब उसने टैटू बनवाया था, उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली, मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शिजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आप ही और अम्मा बोलते हैं। हम हैं आप ही और अम्मा। हम जब किसी, सपोज मैं किसी और अदर कास्ट के फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, माय फ्रेंड इज हिंदू, और मैं उसकी मासी से मिलती हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली मासी बोलूंगी। इट इज वेरी ऑब्वियस। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, आप लोग उनके पेरेंट्स को या भाई बहनों को मम्मी पापा भैया भाभी यही करके बोलते होंगे ना, तो ये तो एक बहुत जनरल सी चीज है। इन सब चीजों से धर्म बदल, ये इतना गंदा, इतना उसको इतना गलत और मोड़ के बताया है कि बस फंस जाए, फंस जाए। मतलब ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, हिजाब, ब्लैक मैजिक, क्या था ये ब्लैक मैजिक, व्हाट इज ब्लैक मैजिक, सीरियसली? एक्चुअली आप मेंटल हेल्थ को छोड़ के, वो पॉइंट हटा के आप सब कुछ बोल रहे हो। आपने एक बार नहीं बोला कि मेरी बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तुनिशा ने 2018 में उसने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कजन सिस्टर के डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी, मैं सेट पे जाती थी तो मुझे जॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है और उनकी मम्मी अभी भी इसी डिनाइल में है कि उनकी बेटी को सिर्फ ओसीडी था, वो काम नहीं करना चाहती थी, लेट मी क्लियर दिस, उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी, वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड से दाना पानी, और वो बहुत खुश थी, उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है, बहुत बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं। पहले तो क्या उनकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी, नहीं जाने देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल्स, जब मैं लद्दाख में थी तुनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं, बैक टू बैक कॉल, मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापिस फोन। वो इतने फोन करती थी कि तुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, एक सेकेंड, अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जहां भी वो बैठी होंगी, आई डोंट नो, मैं नहीं देखा, उन्होंने एक चीज बोली कि जिस दिन तुनिशा ने, मेरी बच्ची ने, जिस दिन ये किया है, ये हादसा हुआ है, उस दिन उससे उनकी बात हुई थी और उस बात में वो, इसने ये कहा था, और वो बहुत हैप्पी थी, उसने ये कहा था कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाने जाना है, तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा कोई बात नहीं है, मैं तेरे ईपी से बात करती हूँ और मैं तेरी टिकट कराती हूँ, अगर तेरी, तुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं तेरी टिकट कराती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 एल्बम सॉन्ग वो साइन कर चुकी थी और करे नहीं थे, वो करना नहीं चाहती थी। मनीता जी ने वो साइन करवाए थे म्यूजिक एल्बम, 24 तारीख की रात की उसकी फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी, क्योंकि 24 को जिस दिन उसने ये सब किया है, 12 से 1 बजे के बीच में मेरी उससे फोन पे कॉन्वर्जेशन हुई है मेरी उससे, बहुत लाइट नोट पे उसने मुझे ये चीज बोली थी कि मम्मा, अम्मा, मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था छोटे वाले का, और 25th को क्रिसमस डे पे, और 24th को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे, तो उसने, वो उसको भाईजान बोलती थी, उसने बोला कि मम्मा, अम्मा, मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊंगी। तो
बड़ी खबर, शिजान का परिवार मीडिया के सामने आया, तमाम आरोपों पर जवाब दे रहा है। कह रहा है कि शिजान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। टुनिशा का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। टुनिशा हमारे फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी। साथ ही टुनिशा की माँ वनीता शर्मा को लेकर कई गंभीर आरोप तो यहाँ शिजान की फैमिली ने लगा दिए हैं और ये कहा है कि टुनिशा खुश नहीं रहती थी। उसकी मम्मी बैक टू बैक कॉल करती थी, ज्यादा काम करवाने का प्रेशर था। टुनिशा काम नहीं करना चाहती थी, टुनिशा दुनिया देखना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी, घूमना चाहती थी, लेकिन यहाँ टुनिशा की माँ काम का प्रेशर बनाती थी। रिश्ते अच्छे नहीं थे, बैक टू बैक कॉल से कई बार गुस्से में टुनिशा फोन फेंक दिया करती थी। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, लव जिहाद जैसा कोई एंगल नहीं है, ये तमाम बातें शिजान की फैमिली कह रही है।